आपने सुनी होगी, तो जो हाथी था बहुत सुंदर सरोवर बना हुआ था पहाड़ों के बीच में, और उस हाथी के 1000 हथनी थी, 1000 हथनियों का स्वामी था गजेंद्र। और जिस समय जल पीने के लिए आता था सागर में, और भैया ये व्यास पीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान रामविलास सिंह प्रधान जी ने दिया है, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो आज जब पानी पीने के लिए आ रहा था वो हाथी, ध्यान करना, अगर बुद्धि थोड़ा सा भी इस कथा को सुनने से माइंड अप्लाई हो तो समझ लेना कि कौन क्या करता है। क्यों? क्या जिस समय वो मालिक था गजेंद्र, 1000 नारियां थी उसके, और सभी पुत्रों को बेटाओं को परिवार को लेकर के जल पीने आ रहा था, जल पीने क्या, सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे कुटुंब भयो चली रे कुसाफरी, पूरे परिवार को लेकर के आ रहा है जल पीने के लिए। क्या अरे कदम भी कर तू धरती ओ, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। मस्त हुआ सागर में कि सूंड में जल भर भर के चारों तरफ फेंक रहा था, और उसे घमंड था कि मैं 1000 हथनियों का तो स्वामी हूं, दुनिया को दिखा रहा था अपने घमंड और अभिमान को। ध्यान रखना तो मगर चला है भीतर से जल में से, और जैसे ही मगर चला पीछे से पैर पकड़ लो,
श्रोता बंधु, और ये व्यासपीठ से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए श्रीमान अनार सिंह जी ग्राम बहादुरगढ़ी से, धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। जब दोनों जीव महाबलशाली थे, अब देखना परिवार क्या करता है। संग के जिस समय हाथी और चल को फेंक रहा था चारों तरफ, और इधर मगर ने पैर पकड़ा, तब अरे पैर पकड़ लो भीतर ते और थानो जलमी हाथी ले। जहां जिसका साम्राज्य होता है वो वही काम करता है। तो हाथी बाहर को फेंकता था, मगर भीतर को फेंकता था। देखो भी घरवाई का कह रही है, जब प्राण संकट में पड़े और मगर भीतर खेत रहा था और 1000 छानिए पार पे, और तब क्या बोली भी कर। अरे पगल खींच लो कोई भी
जितने लड़के थे परिवार में वो सब सब प्रशासन छोड़ गए, अकेला रह गया था जल में। डरता रहा कबू तो हाथी खेच रहा है और कबू मोटर खेच रहा जाती सर। ध्यान रखना सोता हमको, ये तो जीव ऐसा संग्राम कर गए थे कि चार युगों में तो वीर और तो मल्ल इतने दिन तक कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया अपने तक इतने दिन। एक हजार वर्ष तक दोनों लड़ते रहे जल में। अब जब मगर हाथी को भीतर खींच ले गया था केवल चौबर सूंड बाकी थी, छा होकर के सांस लेता है हाथी, जो नाक के दोनों छेद बने होते हैं बस चौबर सूंड बाकी रह गई थी। अब घमंड चूर हुआ, अब घमंड बचा और तब छोटी बहनी की चचिया ससुर हैं, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, ये हमारी ठाकुर जी से बने हैं। ध्यान रखना गजेंद्र का मोक्ष किया है भगवान ने, उद्धार किया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभी प्रेम से भगवान के नाम का भजन बोलेंगे, हम ताली बजाते हुए।